आइए अब आपको सीधा जयपुर ले चलते हैं एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी संभालने का अधिकांश जो देश में केंद्रीय मंत्री या क्रियाशील महामंत्री या मुख्यमंत्री या प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, वो अधिकार वही बने जो यूथ कांग्रेस एनएसयू में थे। लंबे समय तक उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, इंदिरा जी का, राजीव गांधी जी का, सोनिया जी का, पहले प्रधानमंत्री पर लक्ष्मीनारायण जी मंदिर तक की बात भी है। हमेशा युवाओं को तरजीह मिली और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी है। आज एनएसयू ने जो वर्तमान स्वरूप है इसको देख के हमें गर्व होता है कि उस वक्त में जब स्थापना हुई थी जब लोग नाम जानते थे एनएसयू का, और हर नेता के डिमांड पर, हर देश के विश्वजन हमारे चांसलर के नाम डिमांड पर, सबके डिमांड पर एनएसयू ये नाम होता है। और अभिषेक चौधरी जब से अध्यक्ष बने हैं तब से इन्होंने एक नई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। सोचे कि आज एनएसयू राजस्थान में इस कदर एक्टिव है, हर और सामाजिक श्रोता व्यक्ति है, हर मुद्दा जो समाज को टच करता है उस पे ये अपनी बात अमित छाप छोड़ते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि एनएसयू में छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, उसी के परिणाम राजस्थान प्रांगण के अंदर राजस्थान प्रांगण में एनएसयू स्थापना दिवस मनाने का इनको अवसर मिला। मुझे खुशी है कि देव अमित ने जो राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से एक पहल प्रोग्राम शुरू किया है, ये भी बड़ा क्रांतिकारी कार्यक्रम है जो पूरे राजस्थान भर के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप आईएससी, आरएससी, सीईटी, सीईटी सबकी कोचिंग क्लासेज प्रारंभ करने का जो निश्चय किया है उसमें आप सफल हो, मेरी शुभकामनाएं है। क्योंकि काम शुरू करना एक बात है पर वो निभाना बड़ी चुनौती होती है। मुझे उम्मीद है कि एनएसयूआई के अध्यक्ष जी और इनके तमाम पदाधिकारी जो आपके हैं और मैं जोशी जैसे जो नेता है जो खुद अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं एनएसयूआई से, इन सबके सहयोग से ये जो है उम्मीद की पहल जो है वो कोई जो कामयाब होगी, हम सबका सहयोग इनके साथ रहेगा। इसी जरूरत भी है, आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार ने अभी बजट पेश किया मैंने तो अनुपत्ति योजना के अंतर्गत ऐसे निर्धन छात्र जो कोचिंग क्लासेज इसी दे सकते हैं उन सबको हमने 30,000, पहले 15,000 थे, इस बार हमने 30,000 छात्रों को फ्री कोचिंग करवाने का निर्णय किया है। इस प्रकार से आज कोचिंग का जब जमाना आ गया है 25% का, तो सरकार भी और हमारी जो संस्थाएं भी और देव अमित जैसे लोग भी आगे आएंगे तब जाकर के मैं समझता हूँ हर विद्यार्थी को एक विश्वास रहेगा कि मैं कोई पैसे वाला आया, अमीर लोग हैं, व्यक्ति हैं, उसके बावजूद मुझे अवसर मिल रहा है कोचिंग लेने का भी अच्छी संस्थाओं में। हम इतने नवाचार किए हैं छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, वो तो लंबी लिस्ट है, आपको शायद अपने जुड़े नेता लोग भी हैं, आपको जानकारी होनी भी चाहिए कि हमने एग्जाम्पल के रूप में विदेश भेजने का तय किया है। पहले 200 विद्यार्थी की बात थी, इसमें मैंने 500 विद्यार्थी जो
फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमने दो तीन कैटेगरी बनाई है जिसमें आने आने का खर्चा भी शामिल है वहां रहने का खर्चा भी है विदेश के अंदर या उसका एडमिशन होगा दुनिया के मुल्कों में वहां पढ़ाने का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी 500 विद्यार्थियों को ये हमने कह दिया। अभी के करीब मेरे ख्याल में 150 बच्चे जा चुके हैं 200 बच्चे जा चुके हैं वहां पर सीधा मैंने कोटा बढ़ा लिया 500 कर लिया। ये क्यों किया है? राजस्थान का विद्यार्थी जो है नौजवान आने वाले वक्त में जब वो परीक्षा आएगा तो बाकी जो अमीर जाने के बच्चे पढ़ के आते हैं तो हमारे इन बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा मैं अमेरिका में इंग्लैंड में पढ़ के आया हूं और जो ह्यूमन रिसोर्स बनेगा मानव संसाधन बनेगा राजस्थान के विद्यार्थी था तो वो राजस्थान भी काम आएगा देश के भी काम आएगा। ये राजस्थान का ओरिजिन का विद्यार्थी जाता है उसको विश्वास रहता है अवश्य मिलता मैं समझता हूँ उनके लिए जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने के चांस रहेंगे। वैसे हमने बहुत सारे नवाचार भी किए इस बार LKG से PG तक की छात्राओं पढ़े जो है उन्होंने फ्री कर दी पूरी ट्यूशन फीस फ्री है और पंजाब समेत जिला परिषद में और ग्राम पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो खुलती जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत पे एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना बहुत बड़ा निर्णय है। इधर तमाम सेकेंडरी स्कूलों को कन्वर्ट करके हाफ सेकेंडरी स्कूल के अंदर उच्चे गांव का बच्चा गांव पढ़ पाएगा उनको जाने की तकलीफ बाहर नहीं होगी और अवसर मिलेगा। आपको ये तो ऐसा समय से अनुश्चित के हमारे साथियों को भी राजस्थान आपको गर्व भी होना चाहिए कि राजस्थान आज राजस्थान पहले बार स्थिति नहीं थी राजस्थान याकात से बढ़ते रहते थे अब तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी जी ने जो अधिकार आधारित जो भी शुरुआत करी जिसमें RTI RTE रेजिस्ट्रेशन फूड सिक्योरिटी एक्ट मां नरेगा एक पार्लियामेंट कानून बना के अधिकार दिए देशवासियों को और मैंने मांग की है प्रधानमंत्री जी से कि आप जो है राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाओ पार्लियामेंट के अंदर पूरे देश के हर परिवार को जो मिली है उनको जीने का हक है। दुनिया के मुल्कों में विकसित राष्ट्र वो बाकायदा उनको वीजी पहल देते हैं तो क्यों नहीं हम लोग 21st सेंचुरी पहुंच चुके हैं ये अपनी गांधी का रखना था लोग समझे नहीं उस वक्त में तो क्या काम जाते हैं अब मोबाइल फोन इंटरनेट सेवाएं कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आ गए तब मालूम पड़ा उनका सपना क्या था तो हमें भी सिक्योरिटी देनी चाहिए। राजस्थान हम लोग करीब लगभग 1 करोड़ लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूँ बुजुर्गों को विधवाओं को निशक्जनों को तो पूरे देश के अंदर उसे हर परिवार की कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो गरीब है BPL के लोग हैं हर परिवार का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो स्कीम जो मैं बनाई उसके बाद में राजस्थान में जो पिछले 15-20 साल में जो उन्नति हुई है मैं याद पहली बार मेरे मुख्यमंत्री 2019 के अंदर ये 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में आज 91 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं राजस्थान में 91 विश्वविद्यालय बच्चे अभी पूना के अंदर पढ़ने के लिए महाराष्ट्र में कर्नाटका में जब से मैंने अलग किया प्राइवेट सेक्टर को राजस्थान में और मुझे खुशी है तब तो हर जिले में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज एक ITI और एक नर्सिंग कॉलेज खुल रही है पूरे प्रदेश के अंदर तो शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा जंप हो जाता है। मेरे भाई शायद अभी गेंद ठीक कह रहे थे क्या बच्चे बाहर नहीं पढ़ने वाले हैं आप बताइए पहले हमारे बच्चे बाहर जाते थे आज राजस्थान में एक आ गया जोधपुर के अंदर IIT आ गई जोधपुर में
ट्रिपल आईटी कोटा के अंदर आईएएम आया उदयपुर के अंदर जयपुर में है लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में है निफ्ट आ गई एनआईए आ गया एफडीडी आ गई एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय तो चार पांच खुल गए लॉ यूनिवर्सिटी मीडिया यूनिवर्सिटी हो गई गांधी जोशी के नाम से जयपुर के अंदर डॉक्टरमेंट यूनिवर्सिटी हो गई लॉ की जयपुर में पुलिस यूनिवर्सिटी हो गई ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है कंट्री की ये तमाम इंस्टीट्यूट आज यूनिवर्सिटी में आती ये की पहली आजादी के बाद में तो कहने का मतलब ये आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बहुत बड़ा जंप हुआ है और जो बैठे भी हुआ कि कितने साल में कॉलेज खुली 250 लाख फॉर्म के अंदर उसमें 30-35 थी गर्ल्स कॉलेज हमने 5 साल के अंदर इस टर्म में मैंने 5 साल के अंदर 3 कॉलेज खोल दिए नंबर एक कहा तो 250 कॉलेज 6 साल में और कहा इन 5 साल में मैंने 3 कॉलेज खोल दिए 130 कॉलेज गर्ल्स की उसके अंदर है तो फिर से दुख तरह जम रहा था हो रहा लोगों ने शिक्षा को स्वास्थ्य को दो क्षेत्रों को लेते हैं मेरा मानना है कि किसी प्रदेश के अंदर अगर सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य की गैर ध्यान देगी अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा प्रदेश राज्यों का शिक्षा अच्छी उपलब्ध होगी उनको तो बाकी का वो सती कर देंगे जिंदगी के अंदर रिटायरमेंट पानी भी आता है बिजली भी आती है काम चली जाएगा पानी सब कुछ हो रहा है पानी बिजली यहाँ पर लोग नंबर वन बंद जा रहे हैं सोलर के अंदर सब कुछ हो रहा है पर शिक्षा और स्वास्थ्य हम गैर जोड़ दे रहे हैं जो छात्रों के जीवन में भी प्रायोरिटी होनी चाहिए कल का भविष्य प्रदेश का आपके ऊपर निर्भर करेगा जो भी हम उनकी तरफ ध्यान दें जो कि आप लोग आने वाले कल के लिए तैयार हो सके इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि काम में कोई कमी नहीं रख रहे हैं सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हम लोग नेट से रहे बच्चे जो उत्तीर्ण हो जाते हैं इसे स्कूल मिलती तो 3 साल इसे 20,000 रूपये प्रतिमा देने का फैसला किया मेगा जॉब फेयर लगा रहे राजस्थान सरकार आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोल रहे हम लोग छात्रों के हर जिले के अंदर बड़ी बात यह है पीछे तक भी लागे थे हर जिले में यूथ हॉस्टल खोलेंगे सर्विस में बोल रहे हैं पहले बार बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था अंतर जिले एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जितनी बार कॉम्युनिटी ट्राई करेगा बच्चा बार बार उसको फीस भी भरनी पड़ेगी ये फैसला हमने किया तो कहने का मतलब ये कि जो फैसले किए जा रहे हैं वो आपके छात्रों के युवाओं के फ्यूचर को देखते हुए किस प्रकार से हम उनके लिए क्या कर सकते सरकार और मान लीजिए हमने अंग्रेजी स्कूल खोल दिया अंग्रेजी स्कूल बचपन में भी किताब अंग्रेजी के क्या काम आएगी हमारे और आप जो आप छोड़ दीजिएगा कि जिस रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी कंप्यूटर इंटरनेट सब आ गए दुनिया से जुड़ गए हो तो हमने जान बुझ के जब हमारे शिक्षा मंत्री थे मैं चिंता था की तब शुरू किया हम लोगों ने अंग्रेजी स्कूल खोलने का सिलसिला इस बार 1,000 स्कूल खोलने का निर्णय किया हम लोगों ने आप 3 लाख बच्चे बन गए उसके अंदर 3 लाख बच्चे बन गए और नंबर नहीं आया बच्चों का लॉजिक खोलनी पड़ रही है मेरी खुशी से बात की कि आपने के जो गाँव जाते होंगे गाँव वालों ने भी उनके माँ बापों ने भी इसको एक्सेप्ट किया है हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ने चाहिए प्राइवेट स्कूल पता है यार 1 लाख फीस लगती है सरकारी स्कूल खोलेंगे कोई कमी भी होगी उसके अंदर हम स्वीकार करते हैं
खड़े दूर भी करेंगे। टीचर तो सजा भट्टी करे एमबीसी के टीचर को, और ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है। इस प्रकार से आपको मैं समझता हूँ कि जो फैसले किए हैं हैदराबाद पूरे के नाम से लाइब्रेरी रीडिंग रूम और डिजिटल लाइब्रेरी, अब आप बताइए कि ये जो हर ब्लॉक के अंदर ये मामूली फैसला नहीं है, जहां हर ब्लॉक में लाइब्रेरी बनेगी, भाषा में बनेगा, डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, तो सुविधा मिलेगी गाँव वालों को भी। सरकार के फैसले अनेक पहुंचे, मेरे पास टाइम नहीं मैं उनको वापस सब करूँ बताऊँ, पर मेरा मानना है कि जो भी सुविधा आप ही देंगे हम लोगों को, तो जितनी बार मैंने कहा था कि मेरा बजट जो है वो समर्पित रहेगा युवाओं के लिए, इसीलिए मैंने कई ऐसे काम किए जैसे खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी उनको दी गई, आरक्षण रखा गया है उनके 90 के अंदर, उनको इनाम राशि 2-3 करोड़ तक हम जिन लोगों ने दी, लाखों में दी पहले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक हमने शुरू किए हैं, उसके बड़ा अच्छा असर है युवाओं के अंदर। राष्ट्र वेंचर कैपिटल फंड के तहत स्टार्टअप को हम लोग जो है 250 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करी गई है, करी जाएगी 200 करोड़ रुपए की, तो आप सोच सकते हैं इस रूप में हम लोगों ने ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे मौका मिला कि आप जुड़े हुए पूरे राजस्थान में जुड़े हुए हो, और इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये आह्वान करूं आप सबको लोगों को इस मुबारक मौके पर, कहने से लिखता हूं दिवस है और साथ में नई पहल शुरू हुई है, एक पहल राजीव गांधी रेंटेश्वर के नाम की, तो मेरा फर्ज बनता है मैं कहूं ये स्कीम हमारी जो है कई गांव तक पहुंचती रही है, छात्रों तक भी पहुंचती है, युवाओं तक भी पहुंचती, तो आपकी जिम्मेदारी निभाए हम लोग श्री साथी, इनका लाभ सबको मिले। अब मैंने बताया मुझे मैं छात्रों के भेजने जाते हुए मालूम ही नहीं होगा उनका फायदा तो मिल नहीं पाएगा, तो क्यों नहीं आप इन कामों को हाथ करें, जिससे कि हमने स्मार्टफोन लेने की बात करी, जो चिरंजीवी योजना जुड़े हैं 1,35,00,000 परिवार राजस्थान के अंदर है, जिनको 25,00,000 का बीमा दिया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रणाली चिप्स का चिप्स होती है, सिम कार्ड नहीं चिप्स होती है, जिसे फोन चलता है मोबाइल फोन, हम ले भी पाए टाइम में उनको और ये चीज भी बन गई, अब हमने कह दिया कि फेजे में देंगे हम लोग दर फेज के अंदर 40,00,000 बैंक फोन लगभग 50 भी हो सकते हैं, रक्षाबंधन पर 1,35,00,000 परिवार हैं, उन्हीं महिलाओं को मुख्य बनाया हम लोगों ने परिवारों ने, उसमें जो हमने तय किया है जो लड़कियां पढ़ रही होगी स्कूल कॉलेज के अंदर या विधवाएं होगी, कोई कैटेगरी बना रहे हम लोग, उस कैटेगरी के परिवारों को पहले देंगे हम लोग, तो 40,00,000 टेलीफोन रक्षाबंधन 18 अगस्त के अंदर तो मिलने जा रहे हैं। एक बात जो और हम कहना चाहूंगा कि हमने उड़ान योजना शुरू करी है, लोग संगोले बोलते नहीं है गांव के अंदर भी, और महिला जो होती है गांव की अच्छी बनावा भी गांव में रहती है, अभी लोग तो लक्ष्मी नाम लेते हैं महावारी के अंदर, तो ये ऐसा है जो घर में अपने परिवार वाले भी बोलते हैं आपस के अंदर, बचपन निकल जा रहे हैं, जमाना बदल जाए, एक पत्रकार ने मुझे कहा था अब तो जमाना बदल गया, मेरी बेटी मुझे कहती है बाबा आप आ रहे हो महिला जाके तो मैंने नैपकिन लेके आऊ, कहने का मतलब संगोद तोड़ना चाहिए, क्योंकि महिला जो है गूगल में रहती है गांव में,
मैं भी कंप्लेन करती है तो उनके कैंसर हो रहे हैं, बाद में इंफेक्शन हो रहे हैं और बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। बोलते हैं बेचारे वो किसको पहले करते, जमाने बदल गया, तुम लोग आ जाना चाहिए, लड़की लड़ी होगी हमारी बहन मेरे वाली होगी, मैं छत से जाना चाहूंगा कि आप पूरा योजना पॉपुलर होगी हमारी आंगनबाड़ी वर्कर जो तुम बटवा रहे हैं घर के अंदर 12 नदी पर मंथ में 500 करोड़ से चित्रगढ़ में रखे अपने क्षेत्र। ये सब बातें जो है महिलाओं में हमने 50% फ्री कर दिए है, बच्चे भी किराया 20,000 या 30,000 स्कूल दे रहे बच्चियों को लड़कियों को कालीबा योजना में, तो कभी मैं आपको इतने नहीं था लाइफ पाएंगे गिग वर्कर, आप कोई इसकी जानकारी होती गिग वर्कर किसे कैसे मालूम होगा आपको, पर वही नहीं मानता भी राहुल गांधी आए थे बाढ़ जोड़े आता में, तब वहां डिस्क्रिप्शन हुआ था मालूम पड़ा गिग वर्कर हुआ जो कि आजकल जो ये जोमेटो स्विगी स्विगी उबर ओला जितनी ये कंपनी है इसमें जो काम करते हैं उनकी नौकरी अनसर्टेन होती है। ये इतनी बड़ी फौज हो गई जिसको गिग वगैरह कहते हैं, लाखों लोग हो गए उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, तब उनको निकाल दिया जाए। उसके लिए मैंने अभी 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, ये भी नौजवान लड़के हैं और गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है इनके इंतजार करने के लिए, और जल्दी गिग वर्कर वेलफेयर एक्ट लाए लाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जो नौजवान होते काम करते हैं एजेंसियों में, कोई सर्विस बॉय होता है, कोई ड्राइवर होता है, कोई टैक्सी फेंक के लगा देता वहां पर, इन सबको जवाब मिले। यही बात करना मैं इस मुबारक मौके पर यही कहना चाहूंगा, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और जो आपने एक पैर शुरू किया है उसके लिए देव अमित को मैं कहना चाहूंगा कि आप आगे बढ़े, हम लोग पूरा साथ देंगे आपका, और साथ में अभिषेक चौधरी मेरा पूरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं और आप जिस रूप में आपने आज शुरुआत करी है इस नए प्रोग्राम की भी इतना जरूरत मनाया, तो मेरे लिए जोर की बात कुछ नहीं क्या सकते की जिंदगी में मैंने कुछ 22 साल रखा इतना मैंने जरूर से जान दी 22 साल और आज मेरे सामने आप सब बैठे हो, मैं देख रहा हूँ आप सबको ये छात्र अभी बैठी हुई है, उनको देख रहा हूँ आपके स्टेज आप सब बैठे हुए हो, मीडिया कहने बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात हो रही, जो मैंने पौधा रोपा था औसत में वो आज वर्धक बन गया है। मेरी कुंडल को भी आप बदल दीजिएगा, अपने चाहू जी उसको बदल दे, और मेरी तरफ से मैं भी अर्पित करूंगा, अभी मैं अर्पित करूंगा उनको, आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई है और ये संगठन मजबूत हो गया आगे आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। यही बात करता हूं मैं अपनी बात, एक काम और आपको कहना चाहूंगा, मैं 24 अप्रैल से शुरू हुआ महंगे राहत शिविर, 24 अप्रैल में हम लोगों ने लास्ट बात मिली यही है, 24 अप्रैल से राजस्थान गवर्नमेंट प्रसन्न गांधी सिंह प्रसन्न शरण सिंह अभियान शुरू करूंगा, उसके अंदर सरकार क्या लगवा रहे हैं उसमें आपकी भूमिका चाहिए बोले मेरे मेरे राज्य, क्योंकि उसके अंदर हमारे राज्य शिविर में जो है हम कहते हैं कि फॉर्म भराया जाए, मेरे मान 10 लाख का बीमा है और 25 लाख का करना है तो उनके लिए फॉर्म भराए जाएंगे, वहां पर 500 रुपये गैस सिलेंडर है अभी इंडिया में 40 रुपये मिलता है, हम लोग दे रहे 500 रुपये में, वहां शिविर में उसका फॉर्म भराया जाएगा, 100 यूनिट बिजली है, मैंने 50 यूनिट थी तो 100 के लिए भराया जाएगा, 2000 यूनिट किसानों के लिए है, आप बताइए 100 यूनिट बिजली फ्री करने से 1,04,00,000 का
परिवारों में बिल्कुल जीरो आएगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जा रहे हैं परिवारों को, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं, जो 6 लाख परिवार मिल जाते हैं। नरेगा का और सभी रोजगार का हमने स्वामी बजाय 125 दिन कर दिए हैं। पेंशन जो है विधवाओं को, मृतकों को करे 5,700 मिलती थी, सबको हमने कम से कम 1,000 रुपये कर दिया, तो करीब 12,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे इसके लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम इन चेकों में आपको चेक करने जाए, और जो नई आज भी नई आप भेज रहे देश के अंदर बहुत काम करे। राहुल गांधी यात्रा हुई थी, मैं गरीब बेरोजगारी होता है, हमने करीब 1.5 लाख नौकरी दे दी है, 16 लाख आपका नौकरी उत्पादन चेहरा है, इंजीनियर हो रहे हैं, एरिया हो रहे हैं उनके, और एक लाख में आप कोरोना कर रही है। तो मैंने कहा फोकस है, नौकरी पर फोकस है, और साथ के अंदर इसके अलावा विमान बढ़ शांति भाजपा वाले देश के अंदर, हमने आपको पता है विमान बोल दिया रास्ता के अंदर पीस एंड नॉन वायलेंस, शांति व अहिंसा का विभाग होने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बना है। और गरीब हमें की खाई जो है, आप छात्र लोग हैं, आपको थोड़ी विचारधारा की तरफ बनना पड़ेगा, देश में विचारधारा कौन सी हो। गरीब हमें की खाई बढ़ेगी बढ़ेगी तो गरीब घर भी रह जाएगा, गरीब रह जाएगा बेचारा, जबकि उसको ऊपर उठाने की जरूरत है। तो तमाम बातों में लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ना चाहती है। धनश्री के साथ मैं कहना चाहूंगा, आप आगे आइएगा, संगठन को मजबूत करो, गांव में कॉलेज विश्वविद्यालय में, और उन योजनाओं को आप लाभ देना लोगों को भी। यही बात कहते मैं अभी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक जी गहलोत। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज एनएसयूआई का स्थापना दिवस है, और हमारे बीच में श्री अभिषेक चौधरी जी एनएसयूआई अध्यक्ष, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अभिषेक चौधरी जी एनएसयूआई अध्यक्ष। देश की तमाम ऊर्जावान छात्र शक्ति की ओर से प्रदेश के जननायक आदरणीय अशोक गहलोत साहब को एनएसयूआई के 53वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। मंच पर विराजमान कुलपति महोदय आदरणीय राजीव जैन साहब, राजस्थान विश्वविद्यालय के ही पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे सरकार के प्रमुख अंग आदरणीय महेश जोशी जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के PSW होने के साथ साथ हम सब के गार्जियन हमारे मार्गदर्शक आदरणीय नरेश मलिक जी, अभिजीत कुमार जी, GL शर्मा जी, राम सिंह जी चौहान साहब, महावीर गुजर जी, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुमित बगासरा जी, रिसर्च के छात्र संघ अध्यक्ष रामस्वरूप बोड़ा जी, एनएसयूआई के ही पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे भाई रवि जोशी जी, पहलवान के रूप में यहां महिला शक्ति का परिचय दे रही बड़ी बहन प्रिया सिंह जी, मेरी छोटी बहन राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रत्याशी रही रितु बराला, मेरा छोटा भाई राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव का प्रत्याशी रहा संजय, हमारे सबके साथी हमें हर समय एक ऊर्जा का संचार देने वाले रिसर्च के पूर्व अध्यक्ष राम सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम को प्रदेश के कोने कोने में एक सफल आयोजन का रूप दे रहे एनएसयूआई परिवार के मेरे सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबको स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज इस कार्यक्रम में
हम सबको अपने शब्दों से, अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने पधारे, हम सब में ऊर्जा का संचार करने पधारे। हमारे सबके प्रेरणा स्रोत राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत साहब का बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साहब, आपने जो योजनाएं, आपने जो कार्यक्रम इस राजस्थान की जनता को दिए, राजस्थान के लोगों को दिए, सदियों तक वो याद किए जाएंगे। लोग आपकी प्रशंसा में, लोग आपके पद चिन्हों पर चलकर एक स्वर्णिम राजस्थान का सपना देख रहे हैं। राजस्थान की छात्र शक्ति आपको ये भरोसा दिलाती है, ये विश्वास दिलाती है, जो स्वर्णिम राजस्थान का सपना आपने देखा है, वो सपना हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। आपके हाथ मजबूत करेंगे, आपके विचारों को मजबूत करेंगे। राजस्थान एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता समाज में रचनात्मक काम करने की जो आपकी पहल है, समाज को रचनात्मकता से जोड़ने का जो आपका संदेश है, इसे लेकर राजस्थान के कोने कोने तक जाएगा। देश की केंद्र में बैठी अहंकारी सरकार ने राहुल गांधी जी के ऊपर एक अत्याचारी फरमान जारी कर इस छात्र को, इस युवा को देश के लोकतंत्र के प्रति, देश के संविधान के प्रति सोचने को मजबूर किया है। देश का छात्र आज सड़कों पर है, मशाल जुलूस के रूप में देश का छात्र अपना विरोध दर्ज करा रहा है। हमारे लिए जननायक को विश्वास दिलाते हैं आपके द्वारा और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्थापित किए गए इस भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम जान से जान लड़ा देंगे। इन विचारों को प्रदेश के कोने कोने तक ले जाएंगे। प्रदेश की छात्र शक्ति, देश की छात्र शक्ति इन विचारों से और प्रोत रहे, ये जिम्मेदारी आपके समक्ष लेकर हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। आपने ये मौका दिया, आप पधारे, आपने आशीर्वाद दिया, प्रदेश की तमाम छात्र शक्ति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय चेन्नई का बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम छात्र शक्ति की ओर से सादर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अभिषेक चौधरी जी। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की रजिस्ट्रार श्रीमती नीलिमा कक्षक जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। राजस्थान के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मंत्री मनीष जोशी जी, महापौर गोरखपुर नगर निगम कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन साहब, एपीटीसी डायरेक्टर, डायरेक्टर इंफोनेट,